हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चैंपियंस लीग प्रीव्यू। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं दो मैचेस की, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस की। पहला होने वाला है विलारियाल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरा होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका की। और सही बताऊँ यार, बार्सिलोना वाला मैच एक तरीके से लिटरली वॉर है। इट्स अ फाइनल फॉर द राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एपिसोड को एंड तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो किसका वेट कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार बात करते हैं विलारियाल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच की। तो यार अगर आप सही में मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे ना कि टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा यार मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और उसके पीछे यार एक बहुत ही सिंपल रीज़न है कि इवन दो यहाँ पे ओले गुनर सोलशायर को सैक कर दिया गया, बट स्टिल द मच ऑफ हिज कोचिंग बैकबोन यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। पूरा कोचिंग स्टाफ यहाँ लिटरली अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पे ओले गुनर सोलशायर को सैक किया गया। तो क्या ही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन डेफिनेटली यार देखो, टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें बात करनी है। और क्योंकि यार माइकल कैरिक का ये पहला मैच होगा एज अ मैनेजर, तो कुछ इनसाइट तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि माइकल कैरिक ने यहाँ पे अपने पहला जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मैच से पहले, उसमें उसने काफ़ी एक तरीके से इनसाइट दिया है। उसने ये कहा है कि उसका और ओले गुनर सोलशायर का जो बिलीफ है, जो गेम को लेके अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो टैक्टिक्स हैं हम वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ओले गुनर सोलशायर ने प्रोवाइड करी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि जो मेरा और ओले गुनर सोलशायर का अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और इसी के चलते यहाँ पर मैं ओले गुनर सोलशायर के साथ इतने लंबे समय तक काम कर चुका हूँ। और ये और भी ज़्यादा पुख्ता करता है कि मेरी लिटरली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ पर टैक्टिकली कुछ डिफरेंट होगा या फिर टैक्टिकली कुछ अच्छा होगा। लेकिन उस पर बात करेंगे, उस पर डेफिनेटली हम यहाँ पे प्रेडिक्शन और इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लाइनअप की। तो देखो, लाइनअप के रिगार्डिंग मैं ना ज़्यादा सरप्राइज एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरे ख्याल से ना ही ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ चेंज होना चाहिए। अगर डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे दैविद दिया गोलकीपर होगा, बिकॉज ही इज़ द वॉल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब वो अलग बात है कि हमारी दीवार में लिटरली छेद है, लेकिन वो छेद दैविद दिया ने नहीं बल्कि खुद हमारे डिफेंस ने करा है, थैंक्स टू हैरी मैग्वायर एंड लुक शॉ। तो बट स्टिल यहाँ पे दैविद दे आई थिंक इज डेफिनेटली आर माई फर्स्ट चॉइस। साथ ही साथ अगर बात करें डिफेंस की, तो एलेक्स टेज, हैरी मैग्वायर और लिंडलॉफ और एरन विसाका डिफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। आई थिंक लुक शॉ यहाँ पे इंजर्ड हैं, तो मेरे ख्याल से एलेक्स टेज को यहाँ पे मौका मिलेगा। मैग्वायर वेटफोर्ड के अगेंस्ट हैवी ड्राइवर बना था, बट आई थिंक ही इज डोमेस्टिकली सस्पेंडेड, तो यहाँ पे उसको पूरा चांस दिया जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स हैरी मैग्वायर मैनचेस्टर में आके मैच में स्टार्ट ना करे ऐसा हो सकता है, ही इज़ आर कैप्टन आफ्टर ऑल। लिंडलॉफ ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा कुछ स्पेशल, तो आई थिंक ये अपनी जगह डिजर्व करता है। एरिक बेई से अहेड है लिंडलॉफ, आई थिंक इट्स फेयर। एरोन विसाकर, दो वी नो ही इज़ बीन नॉट इन हिज परफॉर्म, लेकिन आई थिंक देवर अलॉट से तो ज़्यादा ही कुछ हमें ऑफर करता है। मिडफील्ड एक ऐसा एरिया होने वाला है जहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेमानिया मैथिज और यहाँ पे स्कॉट मैकटोमिने दोनों को ही बाहर बिठाया जाएगा, क्योंकि दोनों ने ही हगा था वेटफोर्ड वाले मैच में। और यहाँ पे वान द बीक को और फ्रेड को जगह दी जाएगी। आई थिंक फ्रेड को हम वेटफोर्ड वाले मैच में भी देखते अगर उसको एक रेस्ट के चलते, यहाँ पे रेस्ट वाला रीज़न था कि वो काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आया था तो इसलिए उसको रेस्ट दिया गया था। वान द बीक आई थिंक वेटफोर्ड वाले मैच में पूरी टीम में से अगर एक पॉजिटिव होगा तो वो वान द बीक था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वान द बीक वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर इन द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम। ये आई थिंक सबसे बढ़िया टैगलाइन होगी। अब फॉरवर्ड की बात करें तो आई थिंक यहाँ ना ही मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट करता हूँ और ना ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। राशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडेज, जेडन सांचो और रोनाल्डो हमारे चार फॉरवर्ड्स होंगे। तो ये मेरी तरफ से एक मेरी प्रोजेक्टेड लाइनअप होगी। अब बात करते हैं इस मैच के इंपॉर्टेंस की, यानी कि राउंड ऑफ 16 के क्वालिफिकेशन पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इस समय चैंपियंस लीग की टेबल को देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप ऑफ द टेबल बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, इसका रीज़न मेरे पास भी नहीं है, थैंक्स टू द क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड द कंपनी। यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते हम डेफिनेटली यहाँ पे चैंपियंस लीग की टेबल में ऊपर हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये टेबल बहुत ज़्यादा क्लोज है। विलारियाल 7 पॉइंट्स के साथ ही हमारे साथ सेकेंड रैंक पर है। उसके बाद अटलांटा की बात करें तो वो 5 पॉइंट के साथ तीसरे रैंक पर हैं। अब इन केस अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो डेफिनेटली विलारियाल यहाँ पर हमको ओवरटेक कर लेगी, और अटलांटा अगर यंग बॉयज़ को हरा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे यंग बॉयज़ भी हमको ओवरटेक कर लेगी और हम एक ही दिन में हम यहाँ पे यूरोपा लीग में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये मैच ड्रॉ करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं हम इस मैच, इस पूरी टेबल को एंड डे पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पर अटलांटा वर्सेस विलारियाल होगा और यहाँ पे यंग बॉयज़ को हम ओल्ड ट्रैफोर्ड में वेलकम करेंगे। बट स्टिल मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टीम को देख के जितना हम हग रहे हैं, मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू कैनॉट बैट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन अगेंस्ट यंग बॉयज़। और इसका फैक्ट तो ये भी कि यंग बॉयज़ ने हमें हराया भी था।
साथ ही साथ अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो आई थिंक फॉर वंस एंड फॉर ऑल हम अपना राउंड ऑफ 16 का जो टिकट है उसको यहाँ पे सील कर सकते हैं, जो कि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शन की। तो डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से लगातार मैं प्रेडिक्ट करता जा रहा हूँ कि इवन दो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगी, लेकिन आपको पता ही है कि मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं ओले गुनर सोलशायर की टैक्टिक्स से कभी कन्विंस्ड हुआ ही नहीं और मैं कभी उसकी टैक्टिक्स पे कुछ एक्सपेक्ट करता भी नहीं और उस पर कभी काउंट करूँगा भी नहीं। दी ओनली रीज़न कि मैं मैन यूनाइटेड के विन को यहाँ पे हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ वो क्योंकि बिकॉज दे हैव द इंडिविजुअल ब्रिलियंस। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी काउंट नहीं कर रहा और टैक्टिकली तो मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तो मेरे लिए तो डेफिनेटली हम जीतने वाले नहीं है। फॉर मी वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस मैच अगेन। मैं लूज क्यों नहीं कह रहा पता नहीं क्यों, जबकि मेरे को पता है कि हैरी मैग्वायर खेल रहा है, बट स्टिल बस गट फीलिंग कह रही है कि हम ये मैच ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं ड्रॉ के दो रीज़न हैं। अगर विलारियल के पर्सपेक्टिव देखें तो यार वो अभी 3 मैच अनबीटन पे हैं एंड डेफिनेटली दो दे नो दे कैन क्वालिफाई राउंड ऑफ 16। अब अगर क्लॉडियो रेनियारी यहाँ पर अगर हमें आउटक्लास कर सकता है ओले गुनर सोलशायर को, तो डेफिनेटली उनाई एमरी तो हमें बिना मैनेजर के आउटक्लास कर ही सकता है, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं उससे। अगर दूसरे रीज़न की बात करें तो प्लेयर का जो मोरल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि देखो यार ओले गुनर सोलशायर सैक हो गया, इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जब भी कोई मैनेजर सैक होता है तो मोरल डेफिनेटली डाउन होता है। वो तब तक डाउन रहता है जब तक कोई मैनेजर यहाँ पर जो आता है वो एक्साइटमेंट नहीं लेके जाता। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अगर बात करें ज़ावी हर्नांडेस की और अगर हम बात करें एंटोनियो कोंटे की, तो वो वहाँ पर आए तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मोरल है वो बूस्ट हुआ है, और यहाँ पर तो मतलब मैनेजर चला गया लेकिन कोई आया नहीं है और शायद से जो आएगा उससे हम कुछ खास अच्छे खुश होंगे नहीं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका की, जो कि लिटरली एक फाइनल है यार, एक वॉर है फॉर देम टू सर्वाइव इन द चैंपियंस लीग। अब यार ज़ावी हर्नांडेस के अंदर बार्सिलोना ने अपना एक परफेक्ट कैंपेन यहाँ पर डेब्यू करा है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं तो कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हाइप थी, उस पर बिल्कुल खरा उतरा है वो डेब्यू। यहाँ पर एस्पेन्योल को उन्होंने 1-0 के स्कोर लाइन से हरा दिया है। अब देखो यार डेफिनेटली पूरी कन्विंसिंग विक्ट्री तो नहीं थी, बट स्टिल जैसा मैंने कहा कि मेरे को इस मैच में डेफिनेटली पता लग गया था कि रोनाल्ड कोमन की फिलॉसफी और ज़ावी हर्नांडेस की फिलॉसफी कितनी ज़्यादा लगती, जो चीज़ यार मैंने उस मैच से ऑब्जर्व करी थी, और कहीं ना कहीं शायद से ये चीज़ आपको आइडिया दे सकती है कि हम बेनफिका वाले मैच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार्सिलोना से। अगर प्रोस की बात करें तो सबसे पहले तो हाई प्रेस और हाई डिफेंसिव लाइन हमको देखने को मिली। अब इसका फ़ायदा ये था कि जब अगर इन केस हाई डिफेंसिव और हाई प्रेसिंग का जो हम कह सकते हैं इसका फ़ायदा ये था कि अगर इन केस यहाँ पे बार्सिलोना पोजीशन लूज भी करती है तो हाई प्रेस के चलते वो बहुत जल्दी बॉल को रिटेन भी कर लेगी, और हाई डिफेंसिव लाइन के चलते जो बॉल रिटेन करेगी उसके प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो यहाँ पे एस्पेन्योल के गोल के पास यानी कि ओपोनेंट के गोल के पास ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, हम उनको लिटरली काफ़ी ज़्यादा थ्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे को लगता है कि डियोंग और गावी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा था उस मैच में कि यहाँ पे मेम्फिस डिपाई ड्रॉप डीप करते हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है फ्रेंकी डियोंग के रन को, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेंटली जो डियोंग के ट्रांसफर एक्टिविटी हमें पता चल रही है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हाउ ही विल डिप्लॉय एंड हाउ ही विल प्ले अंडर द ज़ावी हर्नांडेस। इसी के साथ बात करें अगर तीसरे पॉइंट की, तो यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी और जो कि यहाँ पे स्टैट्स ने भी इस चीज़ को प्रूव करी है कि बार्सिलोना का जो मेजोरिटी ऑफ द अटैक आ रहा था वो लेफ्ट साइड से आ रहा था, और उसके पीछे दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि यार जो गावी था जिसको लेफ्ट विंग पे डिप्लॉय किया गया था, ही इज़ नॉट एन एक्चुअल विंगर, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मिडफील्ड के तरफ या फिर अंदर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था जो कि जॉर्डी एल्बा को यहाँ पर जगह दे रहा था रन फॉरवर्ड की। और दूसरा रीज़न ये था कि क्योंकि यार अगर दूसरे साइड की बात करें यानी कि ऑस्कर मिनगुएज़ा की बात करें तो वो हमें ऑफेंसिवली इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना ऑफेंसिवली जॉर्डी एल्बा पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। अब बात करते हैं यार इसके कॉन्स की, तो सिर्फ एक कॉन्स जो मेरे को लगा है बार्सिलोना के इस मैच में वो ये था कि यहाँ पे अगर एक्सजी की बात करें कि अगर कितने चांसेस ऐसे बनाए यहाँ पे एक्चुअली में बार्सिलोना गोल स्कोर कर सकती थी, वो थे 1.5 एज कम्पेयर टू दी 1.41 विलारियल एस्पेन्योल। अब 1.4 एस्पेन्योल के पेनल्टी की वजह से हो गए, लेकिन अगर 1.5 बार्सिलोना की बात करें तो ये दिखाता है कि यहाँ पे बार्सिलोना इवन दो उन्होंने 70-75 मिनट डोमिनेट करा बट स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्लियर चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए। अब इसके पीछे आप कह सकते हो कि अभी ज़ावी को इतना टाइम नहीं मिला है, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस्मान डेम्बेले, अंशु फाटी, पेड्री ऐसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेयर यहाँ पे इस समय इंजर्ड चल रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर राउंड ऑफ 16 की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अब देखो यार अगर बार्सिलोना इस मैच में ड्रॉ करती है तो उसको यहाँ पे ये होप करना पड़ेगा, ये सारे मैं राउंड ऑफ 16 के क्वालिफिकेशन की उसकी सिचुएशन बता रहा हूँ। पहला सिचुएशन है जब बार्सिलोना अगर ये मैच ड्रॉ करती है तो यहाँ पे उसको होप करना पड़ेगा
कि यहाँ पे जो लास्ट मैच होगा उसमें बेनफिका डायनामो के अगेंस्ट बॉटल कर दे, और ये हम तब कंसिडर कर रहे हैं जब ऑफकोर्स बायर्न म्यूनिख बार्सिलोना को हरा ही देगी। अगर यहाँ पे बार्सिलोना मैच हार जाती है तब तो दो चीज़ों को कंसिडर करनी पड़ेगी कि लास्ट डे पे वो बेनफिका बॉटल भी कर दे और बार्सिलोना बायर्न को भी हरा दे, जो कि लिटरली इस वाले को तो फिर साइड ही कर देते हैं। तीसरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि बार्सिलोना अगर ये मैच जीत गई तो लिटरली वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, और इस टेबल से बायर्न म्यूनिख ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शन की। तो यार देखो, दो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है ज़ावी हर्नांडेज़ पे, अभी अभी नया मैनेजर आया है, ऑप्टिमिज्म है, एक्साइटमेंट है, बार्सिलोना के फैंस लिटरली मैनेजर को बैक करेंगे, बट मैं फिर भी यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं लिटरली इस बार्सिलोना की टीम कितनी भी ख़राब परफॉर्मेंस हो, कितने भी गंदा यहाँ पे सिचुएशन बन रहा हो, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि ये बार्सिलोना टीम राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करनी चाहिए, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ज़ावी हर्नांडेज़ डिलीवर करना चाहिए एट दिस पॉइंट बिना किसी प्रेशर के। क्योंकि यार देखो, बार्सिलोना आई थिंक बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड जुवेंटस ये बड़े बड़े क्लब्स हैं जो कितने ही खराब सिचुएशन में हो, बट स्टिल दे आर एक्सपेक्टेड कि वो राउंड ऑफ 16 यहाँ पर डिलीवर करेंगे। अब अगर मेरे प्रेडिक्शन और रिजल्ट की बात करें तो आई थिंक मैं यहाँ पे 1-0 या फिर 2-1 की स्कोर लाइन पे यहाँ पे प्रेडिक्ट करूँगा। मतलब कुल मिला के एक गोल से यहाँ पे बार्सिलोना जीत ही जाएगी, और उसके पीछे तीन रीज़न है। होम क्राउड, यहाँ पे जो होम सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ज़ावी ने अपने होम क्राउड अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भी था कि जिस तरीके से यहाँ पे बार्सिलोना ने इस मैच में एस्पेन्योल वाले मैच में सपोर्ट किया है, आई एम्फसाइज एंड आई रिक्वेस्ट कि बार्सिलोना का जो क्राउड होगा वो यहाँ पे बेनफिका वाले मैच में भी हमें इसी तरह सपोर्ट करेगा। दूसरा, जो मैनेजर बूस्ट और यहाँ पे ज़ावी की फिलॉसफी, डेफिनेटली यार मेरे ख्याल से मैंने एस्पेन्योल वाले मैच में क्लियरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़ावी की जो फिलॉसफी है वो कोयमन से बहुत ज़्यादा अलग है, और जो कि पॉजिटिव भी है। वहीं कहीं ना कहीं आपको पता है कि नए मैनेजर के आने से एक बूस्ट भी मिलता है, जो इन्वायरमेंट होता है, साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पॉजिटिव भी होता है। तीसरा, मेरे को नहीं पता कि मैं कितना लॉजिक बनाऊंगा इसे कहते हुए, बट आई थिंक आपने देखा होगा जब बेनफिका ने बार्सिलोना को 3-0 से हराया था तो बहुत ज़्यादा कमेंट हुए थे। चाहे हम ओटामेंडी की बात करें, उसने अंशु पार्टी को देख के कमेंट किया था, चाहे हम बाकी के प्लेयर्स की बात करें, राफा सिल्वा की बात करें, दे ऑल मॉक्ड बार्सिलोना, सब ने एक तरीके से बार्सिलोना का मजाक उड़ाया था। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उन सबके बार्सिलोना के मन में ये एक चलन हो गई कि आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट चांस कि वो बेनफिका के साथ रिवेंज ले सकते हैं, अपने होम में उनको बुलाएंगे, यहाँ पर उनको हराएंगे, खुद का राउंड ऑफ 16 का टिकट बुक करेंगे और उनको चैंपियंस लीग से बाहर करेंगे, एंड दिस विड बी द परफेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बार्सिलोना। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो डू मेक श्योर कि आप एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के मेंबर बने, और आपको इसी तरह चैंपियंस लीग और फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।